हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 12 में आपको आरोह का और निदान का दोनों उसका रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले आपके पास कोई वीडियो नहीं गई थी। आरोह के भी दोनों चैप्टर गद्य खंड के, काव्यखंड के भी दोनों चैप्टर, ये काव्यखंड के चैप्टर है दोनों, इधर गद्य खंड के दोनों चैप्टर, और निदान की बुक के जो दो चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसका रिविजन कराया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बुक की रीडिंग करते हैं, टोटल बुक की मतलब इसमें कि लेखक का भी परिचय होता है या कवि का परिचय होता है वो, और साथ में चैप्टर, तभी हम जो वन वर्ड क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो हम देख पाते हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो भेजी जा रही है जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमें कवि के बारे में भी पढ़ना है या लेखक के बारे में भी पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले दिया है आपका आरंभ का कार्य, कार्यखंड में जो आपका जो जो चीज आ रही है उसी से रिलेटेड है। जैसे से पाठ लिखा है आपका हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1903 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। फिर इसी तरीके से उनकी मृत्यु के लिए आ जाए कि निधन कब हुआ था, देहांत कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। लैंग्वेज उत्तर एक ही है, लेकिन जो है ये है निधन देहांत मृत्यु, कोई भी शब्द लिखा हुआ सकता है। तो कब हुई थी, 2003। देखिए यहाँ पर आपका 2003, इसीलिए आपको लिखने बताया गया। फिर इसके बाद है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, कि हरिवंश राय बच्चन की किसी एक रचना का नाम लिखिए, या ये इनकी रचना है या नहीं है। तो जैसे ये मधुबाला मधुकलश, मधुशाला निशानी मंत्र, या इनकी रचनाएं हैं। और भी है लेकिन जो मुख्य है वो ये ज्यादा प्रसिद्ध है। अब फिर है इनका चैप्टर कौन सा था, ना दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये हमारा इनका चैप्टर था। अगर पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में हमारे पास आ जाता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कवि कौन है, तो आप आंसर देंगे हरिवंश राय बच्चन। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तभी हमें पता होगा कि किसने लिखा। और फिर उसके बाद है दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है, प्रेम गीत है या खाली गीत है, क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा। फिर इसके बाद इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या पहचान है गीत की, कि हर के बाद दो तीन लाइनों के बाद हम उस पंक्ति को दोहराते हैं, जैसे कि फिल्मों में भी गीत होता है जो उसकी पहली लाइन होती है या कोई बार की एक लाइन हो जाती है, उसी को हम दो हर गाने में रिपीट होता है कि बीच बीच में हम रिपीट करते हैं। अब इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है में किसके बारे में बात की गई, किसके बारे में बात की गई है, पति के बारे में बात की गई है। पति को क्या कहते हैं, यात्री। यात्री तो कोई भी हो सकता है, पति भी कोई भी हो सकता है। तो यात्री के बारे में, पति के बारे में है, कवि अपने बारे में भी बोल रहा है और पक्षियों के बारे में भी है, है ना, पक्षियों के बारे में भी है इसमें। जब हम प्रकृति के बारे में उसने देखा तो उसमें पक्षी
रखा, पक्षियों का दे रखा, सूरज का दे रखा, प्रकाश का दे रखा, सूरज के प्रकाश का दे रखा, सूरज के प्रकाश का भी वर्णन है उसने। तब ये देखिए कविता पूछी गई है कि सब जगह कौन, किसकी सीमा, क्वेश्चन बनता है कि किसकी सीमा नहीं है। कविता की कोई सीमा नहीं होती है। कविता कैसी है? असीमित है, कोई सीमा नहीं है, असीमित है। और फिर सूरज के प्रकाश की भी सीमा होती है, चिड़ियों की भी सीमा होती है। सूरज का प्रकाश भी हर जगह नहीं पहुंच सकता, बंद कमरे में नहीं जाएगा, अंधेरे कमरे में नहीं, वो जो बिल्कुल ही जहां पर रोशनी का कल भी छेद नहीं है वहां पर भी सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कविता वहां भी पहुंच जाती है। हर जगह अंदर बाहर सब जगह पहुंच जाती है। ऐसे ही चिड़िया हर जगह नहीं पहुंच सकती, उड़ती है, ऊंचाई उनकी सीमित है, लेकिन कविता की कोई भी सीमा नहीं होती, मतलब कविता असीमित है। इसके बाद अब आते हैं हम गद्य खंड पर। गद्य खंड में हमारा पाठ ग्यारह महादेव वर्मा आ रहा है। तो महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। फिर उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। अब महादेव वर्मा जो है इनका ये देखिए क्या रचनाएं कौन कौन सी है, प्रमुख रचनाएं दी दी यहाँ पे मैंने आपको आज बताई है, क्योंकि ये हमारा रिविजन चल रहा है। दीक्षिका, यामा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये प्रमुख रचना है जिसमें की दीक्षिका और यामा काव्य है और इन्हें यामा का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो जो है यामा पर किया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस पुस्तक में मिला, किस पे मिला था? तो यामा पर मिला था। यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलचित्र और स्मृति की रेखा, स्मृति की रेखा में जो महादेव वर्मा ने है भक्तिन का जो है कहां से ली है, भक्तिन जो है उन्होंने लिखा है वो कहां से लिखा है, स्मृति की रेखाओं का ये रेखा चित्र है। तो ये क्या है? संस्मरणात्मक। भक्तिन क्या है? एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उन्होंने भक्तिन पाठ हमारे घुमाया है। भक्तिन पाठ क्या है या भक्तिन क्या है? तो वो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होते जाते हैं। भक्ति किसकी रचना है? महादेव वर्मा की है। कहाँ से ली गई है? स्मृति की रेखाएं से ली गई है। फिर उसके बाद क्या है कि जो है भक्ति के बारे में आ जाएगा, भक्ति कौन थी, क्या थी, कैसी थी, भक्ति कौन थी, महादेव वर्मा किसे लिखा थी और कहाँ पर पैदा हुई थी? झूसी गाँव के एक अहीर की बेटी थी। कैसी बेटी थी? इकलौती बेटी थी। उसकी माँ जो है पांच, उसकी माँ मर गई थी तो 5 साल की उम्र में उसकी भी माता थी, उसकी शादी कर दी थी। माता का क्या अर्थ होता है? सोते की माता या दूसरी माता। और जो है विधवा कितनी उम्र में हो गई थी? 29 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। और फिर जो है उसने अपना अलग ले लिया था उस बाप को, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना, तभी कह रहे हैं बार बार की आपको रीडिंग ढंग से करनी है। ये नहीं पता कि कहाँ से आपका क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, आप अपने आप क्वेश्चन थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश करेंगे तो जो है आपको पता चल जाएगा। और जो है इसके बाद है भक्ति, भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। भक्ति नाम किसने दिया? महादेव वर्मा ने। भक्ति का सही नाम क्या था? लक्ष्मी या लक्ष्मी, है ना? तो इस तरीके से। और चोरी को क्या नहीं, वो जो है सामान खा के रखने को क्या नहीं समझती थी? चोरी नहीं समझती थी वो। महादेव वर्मा की किस तरीके से सहायता करना, वो हर तरीके से सहायता करना चाहती थी। उसके लिए वो रात रात भर जागती थी। अगर महादेव वर्मा जाग रही है तो वो भी जागती रहती थी। तो इस तरीके से हमें भक्ति चैप्टर में, भक्ति चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है पार्ट 12, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 अलीगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? नीलम, बाजे, अपना अपना भाग्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर इनका जो हमारा पाठ है, चैप्टर है, वो है हमारा बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो है पाठ है, तो इसमें लेखक ने क्या बताया कि बाजार दर्शन का अगर आपको कोई पैराग्राफ मिल जाता है, अगर हम पठित काव्य भी मिलता है या नहीं भी मिलता है तो ये हो जाएगा ना, ये प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, आ सकता है नहीं आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको चैप्टर में से भी आपको पैराग्राफ मिले, बुक में से भी हमें पैराग्राफ मिले। तो सिर्फ आपको समझाने के तौर पे वीडियो बनाई जा रही है। तो जैसे बाजार दर्शन, बाजार दर्शन में क्या बताया है लेखक ने? लेखक ने बाजार की महत्ता के बारे में बताया है, बाजार की चमक दमक के बारे में बताया है कि जो है बाजार कैसे चमक दमक में लगा रहता है।
कि जैसे बजारूपन का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन बन जाता है बजारूपन का क्या अर्थ होता है, तो बजारूपन का होता है बाजार के ऊपरी से मतलब इंसान जो है खाली मन से अगर बाजार जाता है तो वो पैसा उसकी जेब में भरा हो तो अगर बाजार जा रहा है तो कुछ ना कुछ खरीद के लाएगा। तो बाजार की महत्ता किस पर सार्थक होती है, बाजार किस पर अपना प्रभाव अधिक भरता है, जिसका मन खाली हो और जेब भरी हुई बाजार जो है उसी पर अपना प्रभाव डालता है, उसका प्रभाव नहीं डालता है। अगर बाजार जेब उसकी खाली है अच्छी लग रही तो खरीद तो नहीं सकता ना, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो नहीं खरीद पाएगा। सीधी सी बात है, ये तो नहीं है कि वो उधार के किसी से लेकर वो खरीद नहीं सकता अगर वो खेला जा रहा है तो। तो इसमें कवि ने अपने कितने मित्रों के बारे में बताया, लेखक ने अपने दो मित्रों के बारे में बताया। एक मित्र वो है कि जो बाजार जाता है और बहुत सारा सामान लेकर आता है, लेने जाता है वो एक सामान, लेकिन वो बहुत सारा सामान लेकर आता है। वो कारण क्या होता है उसका, उसका कारण ये होता है कि उसकी जेब भरी थी, मन खाली था, उसको निश्चय नहीं था कि मुझे ये चीज लेनी है, उसकी जेब में बहुत पैसा था तो वो जो अच्छा लगा उसने वो खरीद लिया। और एक उसके दूसरे मित्र के बारे में बात की है, जो दूसरा मित्र था उसकी मन खाली था, मन तो भरा हुआ था, खाली मन से जाता है खाली आ जाता है खाली वापस आ जाता है, वो कुछ नहीं खरीद के लाता। वो कहता है कि जो है बाजार में इतना सब कुछ था कि जो है सबको मैं खरीदना चाहता था, मैं किसी को एक एक चीज नहीं खरीदना चाहता था, तो इसलिए मैंने किसी को भी नहीं खरीदा और मैं खाली बता गया। तो इसमें बाजार दर्शन में मेन है इन्होंने बताया है एक भगत चूरन वाला जो कि बाजार को सार्थकता प्रदान करता है, मतलब सार्थकता को और प्रदान करता है, जिसे जिस चीज की आवश्यकता है वो जाए और वहीं से सामान खरीद दे, जिस दुकान से उसे लेना उसे निश्चय है कि मुझे यही चीज लेनी है और इतनी लेनी है, वो वहां जाएगा वही चीज लेकर वापस आ जाता है। तो बाजार को सार्थकता भगत जैसे चूरन वाले जैसे ही देते हैं। तो जो है वो जो है उसके बाद उसकी भी एक सीमा थी, जहां तक जितने रुपए तक उसे बेचना था बेचना था, बाकी वो फ्री में बांट देता था। तो इस तरीके से हमें जब तक हम चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे तो हम ये वन वर्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम आते हैं वितान, दूसरी जो है वो है वितान। वितान में है हमारा पाठक मनोहर शंकर जोशी, जो कि 1935 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कुमाऊं में हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, देहांत, मौत, निधन, बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है एक ही शब्द है। अब इनकी प्रसिद्ध रचना है कुरु कुरु स्वाहा कसत हंजा, और यहाँ पर हमारा चैप्टर दिया गया है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग में क्या है, अभी देखिए सिल्वर वेडिंग में यशोदा पंत एक व्यक्ति के बारे में पूरी कहानी चल रही है जो है यशोदा पंत। इनके बारे में पूरा चैप्टर इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। सिल्वर वेडिंग क्या है, जो है 25वीं शादी की 25वीं वर्ष, तो इसमें जो है हमारा इन्हीं के ऊपर सारा पार्ट पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर चल रही है। ये किससे प्रभावित है, किशन दा, ये किशन दा से प्रभावित थे। और जो है यशोदा पंत कौन थे, सेक्शन ऑफिसर थे, और क्या था ये किसे नहीं छोड़ना चाहते थे, वो परंपरागत मूल्यों को अपने नहीं छोड़ना चाहते थे। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये अपनी परंपरागत मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहते, समय के साथ नहीं चलते थे। तो ये सिल्वर वेडिंग में क्या दिखाया है, लेखक ने क्या दिखाया है, पीढ़ियों के अंतराल को दिखाया है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितना अंतराल होता है, तो पीढ़ियों के अंतराल जो बीच का गैप होता है उसको शो करा गया है इस पार्ट में। और जो है इसमें जो है जब तक आप इसकी पार्ट की, आपको बार बार कहा जा रहा है कि जब तक आप पार्ट की रीडिंग ध्यान से नहीं करेंगे, आप वन वर्ड या एमसीक्यू क्वेश्चन या कोई भी तरीके के क्वेश्चन है आप ढंग से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें आपकी जैसे चेंज हो रही है एग्जाम में, तो ये सब चीजें के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। तो यशोदा पंत के बारे में पूरा आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ लेंगे कि कौन थे, सेक्शन ऑफिसर थे, परंपरागत मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहते थे, ये सब चीजें किससे प्रभावित थे, किशन दास से प्रभावित थे, जो है सिल्वर वेडिंग में क्या दिखाया गया, पीढ़ियों के अंतराल को दिखाया गया है, गाउन को लेके आता है, बड़ा बेटा लेके आता है, कितने बच्चे थे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा इसका चैप्टर टू मतलब पार्ट दो आनंद यादव का है। सबसे पहला क्वेश्चन, आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, आनंद रतन यादव, लेखक को प्यार से क्या कहते थे, आनंदा। इनका जन्म 1935
कोला बनवा हुआ था। इनकी जो है लटरंग जो है इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है। और फिर आत्मकथा का उपन्यास है, कवि लेखक ने इसमें अपने बारे में लिखा है। इनका चैप्टर है जूझ। जूझ का क्या होता है? संघर्ष, है ना। तो जूझ है वो अपने जीवन से जूझ किया। लेखक ने इसमें किसमें किसके जो है संघर्ष किया था? अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष किया था। तो हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो हमें भी अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष करना है। तो इसीलिए हम चैप्टर तक तक नहीं लगाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हमें पाठ बार बार आपको इसलिए कहा जा रहा है कि पाठ की रीडिंग आप ध्यान से। तो चैप्टर जूझ है संघर्ष। जूझ का क्या हुआ? संघर्ष। और जो है इसमें जूझ में किसकी कहानी है? लेखक की अपनी कहानी है। तो क्या कौन से शैली में लिखा है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। किस तरीके का उपन्यास है? जूझ क्या है? उपन्यास है। किस तरीके का उपन्यास है? आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें लेखक बता रहे कि उसका पढ़ने का मन करता था लेकिन वो खेती के कामों में लगा रहता था। उसके पिताजी जो है उसे खेती के कामों में लगा रहते थे। तो उसने दत्ताजी राव से बात करी। किससे बात करी थी? पढ़ाई के लिए दत्ताजी राव से बात करी थी। वो किस तरीके से बनना चाहता था? वहां पे गांव में एक विठोबा आड़े था, उसी की तरह वो जो है नौकरी करना चाहता था। उसे ये पता था कि खेती के काम में कुछ नहीं रखा है, तो इसलिए वो विठोबा आड़े की तरह नौकरी करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। तो फिर उसकी किसी तरीके से कह सुनकर दत्ताजी राव के पास गया। किसके पास गया था? दत्ताजी राव के पास गया था। उसने उसके पिता को समझाया बुझाया और उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। जब उसने पढ़ने के लिए भेजा तो उसके पिताजी ने क्या शर्त रखी कि स्कूल जाएगा लेकिन जब खेत में काम होगा तो स्कूल की छुट्टी रखनी पड़ेगी। जब खेत में ज्यादा काम होगा तो उसे स्कूल जाने के लिए मना करा। तो लेखक मान गया। फिर उसने क्या किया? काम भी करता था, स्कूल भी जाता था और खेत का काम भी करता था। उसके बाद जो है स्कूल जाने लगा। वहां पर जो उसका एक दोस्त बन गया। दोस्त का क्या नाम था? बसंत था। और फिर वहां पे टीचर आने लगे। तो कौन सा टीचर, किस टीचर से मुझे अधिक प्रभावित हुआ था? वो एक वहां पर टीचर थे सोदल देवकर। एक टीचर आए थे सोदल देवकर जो एक मराठी पढ़ाते थे और कविता भी लिखते थे, उसे गाते सुनाते थे। तो जो है लेखक इससे प्रभावित हुआ था, सोदल देवकर मास्टर जी से प्रभावित हुआ था। उनकी तरह ही कविता पढ़ने लगा था और दिखाता था। तो सोदल देवकर बहुत, जो उनके शिक्षक थे बहुत प्रसन्न होते थे, तो वो उनकी हेल्प भी कर देते थे कि कुछ लिखा करा तो उसे अच्छा मजा आने लगा, उन्हीं की तरह बनना चाहता था। तो फिर वो जो है खेतों में अकेला रहना पसंद करता था। पहले उसे अकेला रहना पसंद नहीं था, खेती का काम करता तो रहता था दो चार दिन। फिर उसे जब से वो सोदल देवकर मास्टर से मिला था तो उसे अकेला रहना पसंद था, क्योंकि वो अकेले रहते कहीं पे भी लिख लेता था, ऊंची आवाज में गाने लगा था, जो लिखता था उसे गाता था। पहले तो वो अपने सर की तरह ही, मास्टर जी की तरह ही गाता था, जो वो सुनाते थे तो उसे ही दोहराता था बोल बोल के। तो जो अकेला रहता था तो वो जोर जोर से बोल के भी गा लेता था। फिर उसने कहाँ पर लिखना सीखा? गाय ये जो भी जानवर चलाने ले जाता था उनकी पीठ पे लिख लेता था, पत्थर पे लिखता था। ये कहते हैं अभाव, कि उसे अभाव था, मतलब उसके पास सामग्री नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो उसने पत्थर पे लिख लिया, भैंसों की पीठ पर लिख लिया, गाय भैंसों की, मतलब जो भी जानवर थे जानवरों की पीठ पर लिखना लिख लिया। और फिर जो आया फिर टीचर को सुनाया। और जो है उसका जो दोस्त था वो होशियार था, तो वो धीरे धीरे करके उसे भी कविताएं लिखने का शौक पड़ गया। टाइम बाय टाइम जाके सब दिखाता था, सुनता था, यहाँ बताते थे, जो कमी होती थी वो उनकी हेल्प करते थे। अभी देखिए आपको छह चैप्टर है, आरोह काव्यखंड के दो चैप्टर, और दो चैप्टर में भी जो जो चीजें आ रही है, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इसमें से हमारा जो है कविता के बहाने, यही दो चीजें आएगी। बोर्ड में भी हमारे यही दो चीजों में से क्वेश्चन आएंगे, जो पैराग्राफ है वो भी इसमें से आएगा। वो हो गए इसके दोनों चैप्टर, हो गए हमारे गद्य खंड के महादेव वर्मा जयंतु कुमार और वितान के मनोहर श्याम जोशी और आनंद यादव के, ये हमारा चैप्टर आएगा। और हमारे इसके अलावा देखिए अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश भी आएगा। तो उसे भी तभी आपको कहा जा रहा है, अगर आप चैप्टर की रीडिंग डालेंगे, अगर डालेंगे तो जब आपको जो पैराग्राफ आपको मिलेगा अपठित गद्यांश और काव्यांश मिलेगा, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तभी आप उसमें से आंसर निकाल सकते हैं। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में से कोई पॉइंट मिलता है, तो हम आंसर जो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो हम उससे मिलाकर
और उसकी लैंग्वेज अपनी बनाएंगे। ये नहीं कि जो पेपर में लैंग्वेज छपी है सेम वही देंगे। अगर हमारे पास वन वर्ड आता है तो वन वर्ड में केवल आपको कुछ शब्दों का ही प्रयोग करना होता है, ये नहीं कि हम पूरा पूरा पैराग्राफ उतार दें। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।